देखिए मसाला एकदम अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, चिकन एकदम अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। देखिए मिक्स हो गया, अब इसको सलिया में लगाएंगे। देखिए एकदम अच्छे से सब्जियाँ में लग जाना चाहिए। देखिए लग के रेडी हो गया, अब इसको हम तंदूर में पकाएंगे 15 से 20 मिनट। देखिए 15 से 20 मिनट इसको पकने देंगे अच्छे से। जब तक ये बनेगा इसका हम फेस बना लेते हैं एक का। देखिए रेशमी के लिए हम 2 अंडा तोड़ रहे हैं, पर अंडे को जो है बीच वाला नहीं लेना है, आप लोग को जल्दी नहीं लेना है। देखिए अब इसका फेस बनाइए, आप लोग को ये जल्दी नहीं लेना है, फिर वो लेना है इसका फेस बनाना है। देखिए फेस कैसे बन रहा है, ये देखो फेस रेडी हो गया है। अब इसको हम कबाब के ऊपर लगाएंगे, फेस को कबाब के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए एक रेडी हो गया, फेस बना के रेडी कर लिए हैं, अब इसको कबाब के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए कबाब रेडी हो गया, अब इसके ऊपर अंडे का फेस लगाएंगे। देखिए फेस कैसे लगाते हैं, देखिए एक ही साइड लगाना है, ऊपर में ऊपर साइड में लगाना है, नीचे के साइड में नहीं लगाना है। ये देखिए फेस लगा के रेडी कर दिए हैं, अब इसको जो है 2 मिनट तक तंदूर में पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, खाली ऊपर का एक पक जाना चाहिए फेस उसका। ये देखिए कबाब पक के रेडी हो गया, देखिए ऊपर का एक जो है अच्छे से पक जाना है।